अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ आसफ़ भाई मौजूद हैं, जिनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टोरी भाई आसफ़ नाम है ना? यस, चैनल का जी नेम है जी स्टोरी बाय आसफ। जी। तो फ्रेंड्स, आज हम पहुँचे हैं बहुत ही तारीखी टीले पर। ये गाँव जिसका नाम गलबन 3W भी है, ये दिल्ली रोड से 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है और बिहाड़ी से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है। आसफ़ भाई, ये जो इनके मतलब थोड़ी सी स्टोरीज या दास्तान, जो लोक दास्तान है बुजुर्ग बताते हैं, ये क्या सच है या आया कि इसमें वाह कोई इसके मतलब थोड़ा सा फहीम बताइए। भाई, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ये जगह के मतलब कि ये जगह जो है ना, जी जो मतलब 47 से पहले, पार्टीशन से पहले वाले लोग हैं ना, जी जी उन्होंने तकरीबन ये जगह ऐसे ही देखी है। जी जी और वो तो यही बताते हैं कि यहाँ किसी दौर में कोई पुराना शहर था, लोग आबाद थे, तो जी जी वो शहर गर्क हो गया है। जी और जो हकीकी कोई चीज़ है या कोई हकीकी कहानी है, वो किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये बस ये सीना बसीना ही है जी जी कि कोई कहता है कि यहाँ शहर आबाद था, यहाँ लोग आबाद थे। और अभी देखो, हम आए हैं यहाँ पे, हमें बहुत पुरानी चीज़ें मिली भी हैं। जी तो जी ये मतलब बिल्कुल, एक ये पुराने बर्तन, टूटे हुए पत्थरनुमा, जैसे आप दिखा रहे हैं अभी अपने कैमरा में, जी जी तो ऐसी चीज़ें मिली हैं। बस मुख्तलिफ किस्से कहानियाँ हैं जो इस टिब्बे के मतलब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी जी और आज आए हैं हम भी, बहुत काफ़ी देर बाद आए हैं, बिल्कुल तो सोचा अपने दोस्तों के साथ भी ये जगह शेयर करें कि विहाड़ी में ये बहुत एक क्या कहते हैं, क्या हिस्टोरिकल प्लेस है। बिल्कुल क्योंकि कोई विहाड़ी का दोस्त यूट्यूबर देख रहा हो हमें, तो हम जी उसको भी दावत देते हैं कि वो ज़रूर यहाँ पे आए जी और ये इलाका, ये एरिया एक्सप्लोर करे। जी जी बिल्कुल, हमारी बैक साइड पर टीला मौजूद है, जी वहाँ जी पर हम जा रहे हैं। आसफ़ भाई क्यों ना चलें ऊपर का वहाँ विजिट चलते करें? जी हैं जी और बिल्कुल ओवरव्यू दिखाते हैं हम जी। आपको। और साथ में एक कब्रिस्तान भी है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है, आगे चलकर हम आपको वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही पुराना एक तरीकी कब्रिस्तान भी मौजूद है। आगे चले, मैं आपको दिखाता हूँ और व्यू। अगर आप ऊपर देखें तो ये एक झंडा भी लगा हुआ है। ये अंदर दो और बड़ी कब्रें भी हैं और पुराना, बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है और वीरान सुनसान इलाका, जंगल बियाबान। अगर दूर से देखें तो वो टिब्बा है, पुराना टीला, पुराना टिब्बा। जी तो फ्रेंड्स, आपने तारीखी टीले का विज़िट किया और कब्रिस्तान को देखा। कब्रिस्तान आप जानते हैं ये भी तारीखी है और तारीखी नवादरात, तारीखी मकामात को हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, मैं और स्टोरी भाई आसफ। आसफ चौधरी नाम है इनका, आप तो मुझे जानते ही हैं, फहीम राना चैनल आप अक्सर वीडियो विज़िट करते रहते हैं। व्यूवर हम दोनों को दीजिए इजाज़त, क्या कहला इजाज़त जी? देते हैं बिल्कुल, ज़्यादा से पहले तो दोस्तों मैं आपको फिर एक बार दावा देता हूँ कि अगर आप विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट से तल्लक रखते हैं जी जी तो ये चक नंबर 3WB में एक टीला मौजूद है, बहुत ही हिस्टोरिकल टीला है। तो प्लीज़ आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें और आएँ और आकर देखें, क्योंकि जो वीडियो में हम दिखा सकते थे हमने आपको दिखाया, लेकिन जब आप खुद आकर अपनी आंखों से देखेंगे कि यहाँ क्या हकीकत है, किसी दौर में कैसे ज़िंदगी रवा दवा थी, तो आपको अंदाज़ा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स आवर चैनल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सोने के वाले।